सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल योगी चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप पढ़ते हैं किसी समाचार पत्र को या फिर पढ़ते हैं कोई मैगजीन या सुनते हैं रेडियो या देखते हैं टीवी या फिर इंटरनेट पर लगे रहते हैं दिन रात, तो आपको बिटकॉइन जरूर दिखाई दे जाएगा कहीं ना कहीं किसी भी किसी रूप में। अब आप सोच रहे हैं बिटकॉइन है क्या, हर तरफ बिटकॉइन की एक भरमार आ गई है कि बिटकॉइन से आप इतने पैसे कमा सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, लेकिन आम आदमी को तो मालूम ही नहीं है कि बिटकॉइन क्या है, इसको कैसे हम कमा सकते हैं, फ्री में कैसे कमा सकते हैं, और ये बिटकॉइन कहां से आता है, कहां जाता है, इसकी रेट क्यों बढ़ रही है। तो आज की वीडियो में हम इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या है, किस तरह काम करता है और आप फ्री में बिटकॉइन कैसे कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको इसके लिए देखनी पड़ेगी पूरी अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए हमें शुरुआत से जानना पड़ेगा बिटकॉइन को। मैं आपको बता दूं, नाकामोटो सातोशी नामक व्यक्ति ने 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत की थी। ये एक आभासी मुद्रा है जिसको हम वर्चुअल करेंसी कह सकते हैं, यानी कि इसका सारा लेखा जोखा इंटरनेट सर्वर पर होता है या एक एप्लीकेशन के द्वारा आपको पता चल जाता है कि आपके पास टोटल कितना बिटकॉइन है, कितना आपने किसी को सेंड किया और कितना रिसीव किया। लेकिन इसको हम अपनी जेब में नहीं रख सकते, अपने हाथ में नहीं ले सकते और हम इसे देख भी नहीं सकते हैं। जब बिटकॉइन की शुरुआत की गई थी तो यह तय कर दिया गया था कि पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइनिंग हो सकेंगे, यानी कि टोटल अगर बिटकॉइन की लगाई जाए कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो ये 21 मिलियन है, यानी कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन इस दुनिया में है जो माइन किए जा सकेंगे। इसकी भी एक सीमा है 2140, सन 2140 तक टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन माइन किए जा सकते हैं। एक बात यहां मैं और बता दूं कि इससे यह भी पता चलता है कि 2140 में ही लास्ट बिटकॉइन माइन किया जा सकेगा। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन इस दुनिया में आता कहां से है, तो मैं आपको बता दूं बिटकॉइन कौन बनाता है। बिटकॉइन माइनर्स बनाते हैं जो कुछ ब्लॉक को सॉल्व करके बिटकॉइन माइनिंग करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसे कि आपको समझ नहीं आ रहा कि माइनिंग क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि बिल्कुल सिंपल वे में अगर ले तो बात है कि दो आदमियों के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो एक गवाह होता है जो इस ट्रांजेक्शन की गवाही देता है कि हाँ इनके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है। तो बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके भी गवाही के रूप में कुछ कंप्यूटर्स कंपनियां लगा के रखती है, यानी कि जो भी हम लेन देन बिटकॉइन का करते हैं उसको बिल्कुल अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो काफी मात्रा में होते हैं, हजारों लाखों में, वो आपके पूरे डेटा को सेव रखते हैं, स्टोर रखते हैं, जिससे कि इंटरनेट सर्वर पर ये पता चला जा सके कि किसके पास कितना बिटकॉइन था, कितना ट्रांजेक्शन हुआ और कितना नहीं हुआ। अब वो कहते हैं कि वो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो होते हैं माइनर्स। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो माइनिंग करती है, उन्होंने बड़े बड़े हार्डवेयर अपने पास लगा रखे हैं, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हार्डवेयर है जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। क्योंकि इसमें यह होता है कि जब भी कोई बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन एक दूसरे को होता है और बहुत सारे कंप्यूटर माइनिंग में लगे हुए, तो जिसकी स्पीड जितनी तेज होगी और जो जितनी जल्दी गवाही दे देगा, यानी जो ट्रांजेक्शन जो हुआ उसको जो कंप्यूटर जितना जल्दी वेरीफाई कर देगा उसका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जिस कंप्यूटर ने उसको माइन किया है, यानी कि उसकी गवाही दी एक तरीके से सिंपल वे में समझे, उसको भी कुछ बिटकॉइन बतौर मतलब कि कमीशन के रूप में मिल जाएंगे। तो इसको कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग, यानी जितनी भी कंपनियां बिटकॉइन का लेखा जोखा रखती है इंटरनेट सर्वर पर अपने हार्डवेयर के द्वारा, उनको भी हर ट्रांजेक्शन पर कुछ कमीशन मिलता है, इसी को माइनिंग कहते हैं, इसको कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग कौन कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं बिटकॉइन माइनिंग कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक कंप्यूटर है अच्छा सा। तो अब आपको अगर अच्छा सा कंप्यूटर का क्या मतलब, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए पूरे वर्ल्ड में बिटकॉइन माइनिंग चल रही है, क्योंकि आज भी 2000 के आसपास डेली बिटकॉइन ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, यानी कि 2000 बिटकॉइन माइनिंग हो रहे हैं डेली की डेली। अब 2000 बिटकॉइन आप कहेंगे 2000 तो बहुत छोटी मतलब क्वांटिटी है, तो मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन के कितने भी टुकड़े किए जा सकते हैं, मतलब कि बहुत तादाद में टुकड़े किए जा सकते हैं। जो सबसे छोटा इसका टुकड़ा है वो है सातोशी, यानी कि एक सातोशी इसका पहला टुकड़ा होता है। तो हमको ये क्या है कि बहुत बड़ी तादाद में इसका मतलब बिटकॉइन का माइनिंग होता है, तो कुछ सातोशी यानी कि आधा सातोशी या फिर एक चौथाई सातोशी हम माइनर को दे देते हैं। जैसे मान लो कहीं 5 बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन हुआ तो कुछ कमीशन माइनर को मिल जाता है। तो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है वो अपने हार्डवेयर को लगा के इसको माइनिंग करती रहती है। आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं, अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो आप एक बिट डिगर नामक एक्सटेंशन उसमें लोड कर सकते हैं और उसमें नॉर्मल हाई और लो स्पीड पे आप कहीं भी क्लिक करके उसको माइनिंग कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि आपका कंप्यूटर जो है वो भी कहीं ना कहीं गवाही देगा एक ट्रांजेक्शन की और उस डाटा को स्टोर रखेगा, जिससे आपको भी थोड़ा बहुत कमीशन मिलता रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन हाँ मेरा जो अनुभव है, अगर आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर है
मतलब बहुत ही अच्छा एक कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर है जो मैं करता हूँ माइनिंग, तो इससे आप जो मेरी एवरेज है आप 3 से 4 दिन में एक सातोशी कमा सकते हैं जो करीब 1400-1500 रुपए की होती है। तो कोई गलत काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है, आप बस एक बार क्लिक कर दीजिए और कंप्यूटर अपने आप कमाता रहेगा। ये बिटकॉइन माइनिंग की पहला तरीका है। दूसरा तरीका, अगर बड़ा तरीके की बात करें तो हम कर सकते हैं क्लाउड माइनिंग, यानी जिन कंपनियों ने अपने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लगा रखे हैं उनसे, मतलब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखे, उनको हम किराए पर ले सकते हैं। वो जितने भी बिटकॉइन माइनिंग करेगी वो अपना हिस्सा निकाल के आपका हिस्सा आपको दे देगी। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, अगर आप कहेंगे इसकी पूरी जानकारी के लिए तो मैं आपको इसकी दूसरी वीडियो बना दूंगा अगर आपने मुझे इस पर कमेंट किया तो। अब बात करते हैं किराए की। अगर हार्डवेयर का किराया बहुत ज्यादा है तो बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूशन करके उसको किराए पर लेते हैं और जितना भी बिटकॉइन वो कंपनी माइनिंग करती है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। तीसरा तरीका बिटकॉइन का यह है कि अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो आप उसे पैसे देकर भी खरीद सकते हैं और अपने वॉलेट में रख सकते हैं, जो कि एक इंटरनेट पर वॉलेट होता है, ई वॉलेट जिसको हम कहते हैं। इंडिया में जैप पे नामक वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप जैप पे वॉलेट पे जाइए और अपना एड्रेस बनाइए और उस पर अपने कितने भी खरीद के बिटकॉइन रख सकते हैं। अब अगर आपके पास लाखों रुपए में नहीं है तो आप सातोशी खरीद सकते हैं, थोड़े थोड़े 10 सातोशी 5 सातोशी रख सकते हैं, जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो आप इसे बेच देंगे। अब बात करते हैं कि इसकी कीमत बढ़ क्यों रही है, क्योंकि 2009 में जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी तब इसको बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते थे, यानी कि बहुत कम लोग ही इसको वैध मानते थे या कि एक्सेप्ट करते थे, तो इसकी डिमांड कम थी। लेकिन आज अमेजन जैसी कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसी जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी जो काफी पॉपुलर है, वो भी इसे एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि अब हर कंपनी इसे एक्सेप्ट करने लग गई है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट का नजरिया इसके लिए क्या है। अगर भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार का नजरिया ये है कि आरबीआई ये कहती है कि भाई ये लीगल है या इनलीगल इस बारे में तो हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अगर आप इसको लेते हैं बिटकॉइन को, इससे पैसा कमाते तो हम आपसे टैक्स के रूप में ले लेंगे जो भी हमारा टैक्स का स्लैब होगा। यानी कि आप जो जैप पे नामक मैंने एप्लीकेशन बताई है उसमें जब उस पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड डालना पड़ेगा तभी आपका अकाउंट बनेगा और जितने भी बिटकॉइन आप इनकम करेंगे उसमें आपका टैक्स काट लेगी गवर्नमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या बिटकॉइन को करेंसी में चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपने बिटकॉइन कमाया और उस बिटकॉइन को अपने जैप पे एप्लीकेशन में डाला हुआ है और उसे हम अपने बैंक में डालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने बैंक में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन सरकार आपसे टैक्स ले लेगी, ठीक है। और इसको बिटकॉइन को कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज है जिनमें आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए भी बिटकॉइन को इस्तेमाल कर सकते हैं जैप पे एप्लीकेशन के द्वारा। ये सारी चीजें कैसे होती है अगर आपको टेक्निकली जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी तरह समझा दूंगा कैसे कैसे टेक्निकली ये करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो यार देखो, मेरी अगर ओपिनियन की बात करें तो मैं तो ये कहूंगा कि बिटकॉइन अभी एक गुब्बारा बन चुका है, एक बबल बन चुका है, कभी भी फट सकता है, यानी कि कभी भी डाउन जा सकता है। तो इसमें रिस्क भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन और बढ़ जाए। आज आपने 14 लाख रुपए की रेंज में बिटकॉइन खरीदा, कल 44 लाख हो जाए तो कम आ जाए, लेकिन अगर डाउन हो गया तो आप रिस्क रहेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप माइनिंग करें। अब माइनिंग के लिए ये है कि आप अगर थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर से माइनिंग कर सकते हैं फ्री में, जैसे मैंने आपको बताया बिटडिगर एक्सटेंशन के द्वारा, जिसको हम गूगल क्रोम में रख देंगे। उसके पूरा टेक्निकली जानने के लिए आपको मेरे को कमेंट करना पड़ेगा, तो ही मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। या फिर आप क्लाउड माइनिंग कर सकते हैं, यानी कि जो कंपनियां बड़ी बड़ी जो माइनिंग कर रही है उनकी मशीनों को किराए पे ले सकते हैं, मतलब की कंट्रीब्यूशन में, या फिर आप बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यार बिटकॉइन के बारे में जितनी भी जानकारी मैं आपको दे सकता था मैंने आपको दी, फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज को टेक्निकली जानना हो, बिटकॉइन कैसे माइनिंग करें, कैसे हम अपने कंप्यूटर को इसमें माइनिंग पर लगाएं, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसकी नई वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे थम्सअप दीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक और इसको कीजिए शेयर। और अगर आपको चैनल पसंद आता है और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर यूजफुल जानकारी आपको मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं योगेंद्र मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।